नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बेसन वाली भिंडी बनाने सिखा रही हूँ। इसमें जो जो सामान लगेगा वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैंने ये ली है 250 ग्राम भिंडी, जिसे मैंने धो के सुखा के हल्का सा काट लिया है, और 4 से 5 हरी मिर्चें, 2 प्याज बड़े आप जैसे भी चाहे काट सकते हैं, 2 छोटे टमाटर, ये बेसन, और ये है मसाले, ये लाल मिर्च, हल्दी, नमक, गरम मसाला और अमचूर पाउडर 1 चम्मच, अजवाइन, हींग। पहले हम ये बेसन को हल्का सा भून लेंगे ताकि ये का कच्चापन निकल जाए। एक मिनट तक चलाएं, आपका बेसन रेडी है। इसे फिर भिंडी के ऊपर मिला दें। दूसरी कढ़ाई में 2 चम्मच मस्टर्ड ऑयल डालें, आप कोई सा भी तेल डाल सकते हैं। तेल गर्म होने पर यह बेसन और मिक्स की हुई भिंडी इसमें 2 मिनट के लिए फ्राई करें। देखिए ये इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो से अलग रख लें। अब मैं इसका तड़का बनाने जा रही हूँ। तेल गर्म होने हल्का सा गर्म करें और उसमें 1/2 चम्मच अजवाइन। अजवाइन के बाद प्याज डालें और इन्हें हल्का ब्राउन होने तक भून लें। प्याज ब्राउन हो चुके हैं, अब इसमें कटा हुआ टमाटर डालें और टमाटर के साथ ये सारे मसाले डाल दें, जैसे लाल मिर्च जितने आप यूज़ करना चाहें, हल्दी, नमक, ये टमाटर थोड़े से पक गए हैं, अब इसमें ये भिंडी डाल दें। भिंडी डालकर मिक्स करें। भिंडी इसमें डालकर चलाते रहें। गैस को मीडियम फ्लेम पर करें। इसके बाद इसमें गर्म मसाला डालें और हरी मिर्चें कटी हुई, और हींग थोड़ा सा। इसे अच्छी तरह से 1 से 2 मिनट तक पकाएं और अमचूर पाउडर डाल दें। सभी मसाले डालने के बाद 1 मिनट के लिए ढक दें। तो खोल कर चेक कर लें 1 मिनट बाद कि कहीं भिंडी जल तो नहीं रही है। देखिए कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, ये रेडी हो गई है। अब गैस बंद कर दें।
आपकी भिंडी तैयार है। इसे आप सर्विंग बाउल में डालकर गरम गरम रोटियां के साथ खाने के लिए परोसें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।